छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं इकाई 4 के अंतर्गत अध्याय 6 में हम नियोजन अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। इसके पूर्व हमने जाना था नियोजन प्रक्रिया क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके महत्व क्या हैं, साथ ही नियोजन की जो प्रक्रिया है, नियोजन के जो तत्व हैं, उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, नियम, कार्यविधि, विधियाँ, कार्यक्रम इत्यादि, ये जो तत्व हैं इनके बीच में क्या अंतर हैं, जैसे उद्देश्य एवं नीतियाँ। एक उपक्रम के अंतर्गत जो उपक्रम के उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य के आधार पर जो नीतियाँ तय की जाती हैं, उनके बीच में अंतर क्या है। वही जो उपक्रम की नीतियाँ हैं और जो उपक्रम के संचालन के लिए नियम तैयार किए जाते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे नीतियों और नियमों में क्या अंतर है। वहीं कार्यविधि क्या होती है, इसका भी हमने अध्ययन किया था, तो यहाँ पर हम नीति और कार्यविधि इनके बीच में क्या अंतर है, इस अध्याय में देखेंगे। साथ ही हम जानेंगे एक अच्छी और बेहतर योजना किस प्रकार से बन सकती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको जानेंगे। वहीं दूसरी ओर नियोजन की कुछ अपनी सीमाएँ हैं, ये सीमाएँ किस प्रकार की है, इसको हम जानेंगे। साथ ही एक उपक्रम के लिए जो बनाई गई योजना है, नियोजन है, उसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ बेहतर और आवश्यक सुझाव कौन से हो सकते हैं, ये सब अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे। और अंत में कुछ प्रश्नों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं नियोजन के विभिन्न तत्व जो अभी मैंने बताए, इनके बीच में अंतर। सबसे पहले हम चलते हैं उद्देश्य एवं नीति में अंतर। तो नियोजन के विभिन्न तत्वों के अंतर्गत उद्देश्य, लक्ष्य, नीतियाँ, कार्यविधि, विधियाँ आदि का अध्ययन करने के उपरांत इन तत्वों में परस्पर अंतर होता है, ये अंतर हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लक्ष्य की। तो उद्देश्य हम देखते हैं, उद्देश्य के अंतर्गत जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य व्यवसायिक उपक्रम के अंतिम लक्ष्यों का निर्धारण करता है। उद्देश्य क्या बताता है कि व्यवसायिक उपक्रम का जो लक्ष्य है, व्यवसाय किस स्थिति तक जाना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, इसका निर्धारण करता है उद्देश्य। वही नीतियाँ जो हैं, जो हमने उद्देश्य बनाए हुए हैं, वो योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। फिर इसके बाद क्या और कैसे, जैसे कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी व्यवसायिक कार्यकलाप किए जाते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ हैं, क्रियाएँ हैं, वो देश की पूर्ति हेतु की जाती है। जबकि नीतियां जो हैं वो कार्य विधि का निर्धारण करती हैं, कार्य की जो विधियां हैं उसका निर्धारण नीतियां करती हैं। फिर प्रबंध के स्तर की बात करें हम, तो जो उद्देश्य के अंतर्गत है, उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो शीर्षस्थ प्रबंध होता है, जो प्रथम श्रेणी का प्रबंधक होता है, यहाँ पर उद्देश्य उसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वही नीतियों का निर्धारण जो है उच्च स्तरीय प्रबंध के साथ साथ मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ उच्च स्तरीय प्रबंध के साथ साथ मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा भी नीतियाँ तैयार की जाती हैं। फिर महत्व की बात करें तो उद्देश्य का महत्व जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य, क्योंकि जब तक उपक्रम का कोई उद्देश्य नहीं होगा, व्यवसाय का उद्देश्य नहीं होगा, तब तक हम नियोजन की प्रक्रिया को नहीं अपना सकते। तो यहाँ पर उद्देश्य का महत्व जो है अपेक्षाकृत अधिक होता है। वहीं उद्देश्य व नीतियों में मतभेद होने की दशा में जो है उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर यदि कोई संगति बीच में होती है उद्देश्य और नीतियों के बीच में, तो उद्देश्य को प्रथम रूप से प्राथमिकता दी जाती है। ये था उद्देश्य एवं नीतियों में अंतर। इसके बाद हम देखेंगे नीतियों तथा नियमों में अंतर। यहाँ नीतियों और नियमों में अंतर के अंतर्गत हम आधार की बात करें, तो नीतियाँ जैसा अभी बताया था मैंने, उद्देश्य प्राप्ति हेतु बनाई जाती हैं, जबकि नियम जो तैयार किए जाते हैं नीतियों के कार्यान्वयन के लिए नियम तैयार किए जाते हैं। जो नीतियाँ हमने तय की हैं उनको कार्य रूप में परिणित करने के लिए कुछ ठोस, अकाट्य, कठोर नियम तैयार करने होते हैं। तो नियम नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बनाए जाते हैं। फिर लोचता मतलब नरमता। यहाँ पर तो नीति एक सूचनात्मक निर्देश होती है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं।
नीतियां परिवर्तनशील होती हैं, समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर हम नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नियम नियम एक अकाट निर्णय निर्देश होते हैं जिसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता। वही परिस्थितियों की बात करें तो नीतियां जो हैं वो सामान्य परिस्थिति के लिए बनाई जाती हैं, जो जनरल स्थितियां होती हैं उस स्थिति के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं, जबकि नियम अधिक विशिष्ट होते हैं तथा ये कार्य विशेष के लिए बनाए जाते हैं। तो नियम कैसे होते हैं? अधिक विशिष्ट होते हैं। फिर अपवाद की बात करें तो नीतियों का अपवाद हो सकता है लेकिन नियम का अपवाद नहीं होता। तो यहाँ पर हमने जाना ये नीतियों और नियमों में अंतर। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे नीतियों तथा कार्यविधि में अंतर। तो नीतियाँ और कार्यविधि क्या हैं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, यहाँ हम देखते हैं उद्देश्य। नीतियाँ सोच विचार करने एवं कार्य करने के मार्गदर्शन करने में मार्गदर्शन करती हैं। नीतियाँ जो होती हैं वो हमारे उपक्रम के अंतर्गत जो कार्य हमें करना है उनका एक प्रकार से मार्गदर्शन करती है, जबकि कार्यविधि जो है उद्देश्य को पूरा करने के लिए केवल कार्य करने का मार्गदर्शन करती है। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य किस प्रकार से पूरा करना है उसके लिए कार्यविधि जो है वो मार्गदर्शन करती है। आधार की बात करें तो नीतियां संगठन के उद्देश्य से प्राप्त होती हैं। नीतियां जो हैं ये संगठन के जो हमारे उद्देश्य हैं उससे तय की जाती हैं। फिर कार्यविधि नीति को कार्यान्वित करती है। यहाँ पर कार्यविधि जो है नीतियों को कार्यान्वित करती है, अर्थात जो नीतियाँ तय की गई हैं उसके आधार पर हम कार्य को पूरा करने के लिए कार्यविधि को तैयार करते हैं। फिर लोचता की बात करें, नीतियों में लोचता होती है, अर्थात प्रबंधक को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। नीतियाँ जो होती हैं वो कैसी होती है? लोचशील होती है। इसमें प्रबंधक को कार्य करने में स्वतंत्रता होती है, जबकि कार्यविधि बेलोच होती है, अर्थात इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता, अर्थात इसमें नीति को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती, अर्थात जो कार्यविधि तय हो गई है कार्य उसी के अनुरूप होना चाहिए। फिर स्वरूप की बात करें यहाँ हम, तो नीतियाँ जो हैं ये साधारण रूप से बनाई जाती हैं, जबकि कार्यविधि का निर्धारण जो है वो विशिष्ट रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर स्वरूप की बात जो हमने की, नीतियाँ जो हैं एक साधारण रूप में जनरल रूप में तैयार की जाती हैं, वहीं कार्यविधि जो है वो विशिष्ट रूप से बनाई जाती है, अर्थात जिस कार्य को पूरा किया जाना है उसी कार्य को लेकर उस कार्यविधि का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ हमने ये जाना नीतियों तथा कार्यविधियों में अंतर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ उद्देश्य नीतियों में अंतर देखा, नीतियों और नियमों में अंतर देखा, और नीतियों तथा कार्यविधियों में अंतर क्या है इसके बारे में हमने यहाँ जाना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक अच्छी और एक बेहतर योजना कैसी हो सकती है, किस प्रकार की होना चाहिए, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे। पहली बात करते हैं हम स्पष्टता की। एक अच्छी योजना जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। जो हमारी योजना है वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड होना चाहिए? उद्देश्य पर। उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें स्पष्ट रूप से योजना को तैयार करना चाहिए। दूसरी बात आती सरलता की। ये वो योजना श्रेष्ठ मानी जाती है जिसमें सरलता का गुण हो, अर्थात जो हमने योजना तैयार की है उसको सभी लोग आसानी से सरलता के साथ समझ सकें और योजना के अनुरूप जो है कार्य को फॉलोअप कर सकें। तो दूसरा जो इसकी विशेषता है वो कैसी होना? सरल होना चाहिए। तीसरा प्रमाप निर्धारित होना चाहिए। एक अच्छी योजना में प्रमाप स्टैंडर्ड्स निर्धारित करना आवश्यक होता है। फिर बात करते हैं हम लोचशीलता की। श्रेष्ठ योजना में लोच का गुण होता है। यदि योजना में आवश्यक परिवर्तन करना संभव है तो समझना चाहिए कि उसमें लोचशीलता है। आवश्यकता पड़ गई यदि कि
कि हमने जो योजना तैयार की है उसमें समय परिस्थिति के अनुसार यदि कोई उसमें परिवर्तन करना है तो उसमें लोकशीलता होनी चाहिए, हम उसको परिवर्तित कर सके, कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सके। तो एक अच्छी योजना में लोकशीलता का गुण होना चाहिए। इसके पश्चात संतुलित, एक अच्छी योजना का संतुलित होना आवश्यक है, बैलेंसिंग होना चाहिए सभी विभागों के बीच में, आपसी तालमेल और समन्वय योजना को लेकर बना रहना चाहिए, तो यहाँ पर संतुलित होना आवश्यक है। फिर संसाधनों का कुशलतम उपयोग, अब जो हमने योजनाएं तैयार की हैं उन योजना के ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है हम योजना के अनुसार उन सभी संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें तो ये एक अच्छी योजना के लिए होना आवश्यक है। फिर विस्तृत, एक अच्छी योजना में व्यापकता का गुण होना चाहिए, अर्थात इसमें सभी मानवीय व अमानवीय क्रियाओं को समाविष्ट कर लिया जाना चाहिए, एक थोड़ा सा व्यापक का गुण होना बड़ा होना चाहिए इसका स्वरूप जो है, इसमें और भी चीज़ों को जिसमें हम समाविष्ट कर सकें, तो इसमें सभी मानवीय व अमानवीय क्रियाओं को समाविष्ट कर लिया जाना चाहिए। फिर एकता की बात करें हम, श्रेष्ठ योजना में एकता का लक्षण होना चाहिए, दूसरे शब्दों में संस्था में ये सभी योजनाएं जो हैं परस्पर संबद्ध होनी चाहिए। तो ये थी हमारे सामने एक अच्छी योजना की विशेषता, जो कि स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रमाप निर्धारित होना चाहिए, लोकशीलता उनमें होना चाहिए, योजना संतुलित होना चाहिए, योजना साधनों का अधिकतम और कुशलतम उपयोग करने वाली होना चाहिए, उसका जो व्यापकता का गुण होना चाहिए और उसमें जो है एकता का भी लक्षण होना चाहिए, सभी योजनाएं जो भी हम तैयार करते हैं वो परस्पर संबद्ध होनी चाहिए, ये है एक अच्छी योजना की विशेषताएं। इसके बाद हैं अब नियोजन की सीमाएं। अभी हमने यहाँ पर जाना कि नियोजन से जो भी उसकी विशेषताएं, उसके गुण हैं, उसके महत्व हैं, उपक्रम नियोजन प्रक्रिया को अपना कर अपने उपक्रम को किन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नियोजन की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं जो समस्या के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ हम नियोजन की सीमाओं के रूप में इन बिंदुओं को जानते हैं। जैसे सबसे पहला भविष्य की अनिश्चितता, जैसा कि हम जानते हैं भविष्य अनिश्चित होता है और नियोजन प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो भविष्य को लेकर अपनाई जाती है, जैसा कि पूर्व में बताया था कि नियोजन जो है वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। तो चूंकि यहाँ नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं, इस आधार पर नियोजन पर अविश्वास किया जाता है, क्यों, क्योंकि भविष्य कैसा है, अनिश्चित है, और चूंकि नियोजन जो है भविष्य का अनुमान लगाते हैं नियोजन के आधार पर, तो यहाँ पर पहली जो इसकी सीमा है वो भविष्य की अनिश्चितता। फिर दूसरी खर्चीली पद्धति, नियोजन का कार्य अत्यधिक व्ययपूर्ण है, इसमें समय श्रम व धन तीनों ही प्रचुर मात्रा में व्यय होता है, जिससे वस्तु व सेवाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है। तीसरा लोच का भाव, नियोजन जो है जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर एक निश्चित रूपरेखा के रूप में हम तैयार करते हैं नियोजन को, अब यदि इसमें हम कोई परिवर्तन करते हैं तो प्रशासन इसका क्या करता है, विरोध करता है, अतः यहाँ पर लोच का भाव भी पाया जाता है। फिर बड़े परिवर्तनों की समस्या, भविष्य की विकट परिस्थितियों में यदि कुछ बड़े परिवर्तन जैसे व्यापार चक्र बदलता है, युद्ध की स्थितियां आ जाती हैं या बाढ़ की स्थिति, या सरकार का परिवर्तन होता है, या किसी प्रकार का कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन होता है जिससे कि उपक्रम प्रभावित होता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमने पूर्व में नियोजन प्रक्रिया को तय कर रखा है, जो बना रखी है योजना, उसकी सफलता में संदेह होने लगता है, तो यहाँ बड़े परिवर्तन की समस्या सामने आती है। फिर व्यक्तिगत रुचि की समाप्ति, नियोजन के अंतर्गत चूंकि सभी कार्यक्रमों का पूर्व से ही निर्धारण कर लिया जाता है, इससे संस्था के कर्मचारियों में व्यक्तिगत रुचि व पहल शक्ति की भावना समाप्त हो जाती है और वो मशीन की भांति निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने को बाध्य हो जाता है। तो जैसा कि हमने जाना यहाँ नियोजन के अंतर्गत कार्यक्रम और कार्यविधि के अंतर्गत कार्यक्रम जो है पूर्व से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं कि कौन सा कार्य किस प्रकार से यहाँ पर होना है, तो जब पहले से पूर्व से तय हो जाता है तो जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वो एक मशीन की भांति
प्राप्त आदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जो व्यक्तिगत रुचि है, जो कार्य करने की पहल है, आगे बढ़ के काम करने की भावना है, वो खत्म होती है। फिर निर्णय लेने में देरी, चूंकि नियोजन में समय लगता है, जबकि आपात स्थिति में कभी कभी तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, अतः यहाँ नियोजन अव्यवहारिक बन जाता है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं जो हैं, जो हमें सामने आती हैं, नियोजन के प्रति संदेह तो उत्पन्न करती हैं, परंतु वर्तमान में व्यावसायिक संस्था की समस्या व प्रबंध की कठिनाइयाँ इतनी जटिल हैं कि बिना नियोजन के हम उन्हें पूर्ण नहीं कर सकते और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ जो समस्याएं सीमाओं के रूप में हमारे सामने जरूर हैं, लेकिन फिर भी एक व्यावसायिक उपक्रम को सफलता प्राप्त करने के लिए नियोजन प्रक्रिया को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके बाद है नियोजन को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव। नियोजन को हम प्रभावपूर्ण कैसे बना सकते हैं, जैसे सबसे पहला योजना होगी। जब भी हम योजना बनाते हैं तो व्यवसाय की प्रकृति और परिस्थिति को ध्यान में रखकर अल्पकालीन या दीर्घकालीन समय अवधि का निर्धारण करना अति आवश्यक है। तो हमें योजना बनाते समय यह ध्यान रखना है व्यवसाय की प्रकृति और परिस्थिति को देखकर कि हमें किस प्रकार की योजना को तैयार करना है, अल्पकालीन या दीर्घकालीन। फिर उपयुक्त वातावरण, नियोजन के संबंध में सभी कमियों व आपत्तियों को ध्यान में रखकर उनका निराकरण करना चाहिए तथा नियोजन से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। तो नियोजन से संबंधित जो भी वातावरण है, उस वातावरण को हमें अनुकूल बनाना चाहिए। फिर समन्वय, नियोजन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि अल्पकालीन नियोजन व दीर्घकालीन नियोजन में क्या रहे, समन्वय बना रहे। जो हमने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए प्लानिंग की है और जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए प्लानिंग की है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय बना रहना चाहिए। फिर समुचित संदेश वाहन, बहुत अति आवश्यक है कि संपूर्ण व्यावसायिक संस्था में संदेश वाहन प्रक्रिया बेहतर होना चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्य व नीतियों को हम सफलतापूर्वक लागू कर सकें। फिर स्पष्ट उद्देश्य व लक्ष्य, व्यवसाय के लक्ष्य जो हैं, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए तथा व्यवहारिक प्राप्त किए जाने योग्य होने चाहिए। अस्पष्ट व भ्रामक उद्देश्य होने की दशा में प्रभावकारी नियोजन संभव नहीं होता। तो यहाँ पर नियोजन से संबंधित जो प्रभावी सुझाव हैं, इसमें एक और लोचता, तो यहाँ पर प्रभावपूर्ण नियोजन के लिए लोचता का होना भी आवश्यक है। नियोजन में उपलब्धियों की समय समय पर समीक्षा हो और परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन करते रहना आवश्यक। तो जो भी हमारे उद्देश्य हैं और जो उद्देश्यों का अनुरूप जो हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं या हो रही हैं, उनकी समय समय पर समीक्षा होना चाहिए और समीक्षा उपरांत जो है, यदि उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है तो हमें नियोजन प्रक्रिया में अपना संशोधन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ हमने ये जाना कि नियोजन की प्रक्रिया को प्रभाव बनाने हेतु सुझाव कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये कुछ अभ्यास से संबंधित प्रश्न हैं, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। नंबर एक, उद्देश्य एवं नीतियों में अंतर। दूसरा, नीतियों एवं नियमों में क्या अंतर है। तीसरा, नियमों नीतियों एवं कार्यविधि में क्या अंतर है। और दूसरा प्रश्न जो है, एक अच्छी योजना बनाते समय आप किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अथवा एक अच्छी योजना की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इनको लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, नियोजन की प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं, उनका आप वर्णन कीजिए। और अंतिम क्वेश्चन है, नियोजन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए, अर्थात नियोजन को हम प्रभावपूर्ण कैसे बना सकते हैं, इस संबंध में जो सुझाव हैं उनका आप उल्लेख कीजिए। तो आप इस अध्याय के अंतर्गत जो हैं ये इन प्रश्नों को नोट करके इनके आप उत्तर अपनी कॉपी में तैयार करें और इनका अभ्यास करें।